easy go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि दिशा पाटनी का स्केच कैसे बनाएंगे। आप सिर्फ इस मेथड से दिशा पाटनी का ही नहीं बल्कि किसी और का भी बना सकते हैं स्केच। तो आप जस्ट इससे एक ओवरव्यू ले लीजिए कैसे एक स्केच को बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इस स्केच को स्टार्ट करते हैं तो उसको ट्राई कीजिए कि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कीजिए। मैकेनिकल पेंसिल इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जब भी आप स्केच बनाते हैं तो इसकी जो लीड होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिससे आप इसको सॉफ्टली यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप जब 2B या 4B यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा हार्डली प्रेस करने लगते हैं, तो होता है आपका जब स्टार्टिंग में कुछ भी मिस्टेक्स रहती हैं वो इरेज नहीं हो पाते। सो अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा मोटी पेंसिल्स का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करके यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो उसका आपको पता ही है कि डिसएडवांटेज होना है, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, आपके स्केच अच्छे से नहीं बनेगी। जब आपकी डॉट लाइन तैयार हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले फोटो को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पर कितनी ट्यूनिंग कैसे है, कहाँ पर कितना ज़्यादा डार्क है, कहाँ पर कितना ज़्यादा लाइट है, हर एक चीज़ को आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, तभी आप अच्छे से ड्राइंग कर पाएंगे। तो आइज बनाने के लिए मैंने डायरेक्टली 4B का यूज़ कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 2B, 3B या फिर 4B का यूज़ कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली 4B इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी करना था, इसलिए मैंने 4B का डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है। आप 2B से स्टार्ट कीजिए, पहले थोड़ी थोड़ी शेडिंग कीजिए, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कीजिए, उसके बाद आप 4B जाइए। आईलेट के लिए 8B यूज़ कर लीजिए। आईब्रोज को बनाते हुए आप बेसिकली ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप स्ट्रोक्स को अच्छे से बना लेंगे, प्रॉपरली स्ट्रोक्स को नजर आए, उसके बाद आप डार्क पेंसिल्स का यूज़ करेंगे, वरना स्टार्टिंग में आप स्ट्रोक्स को बेकार कर देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद आप थोड़ा स्टार्टिंग में ब्लेंड कर लीजिए, थोड़ी मतलब स्मूथनेस आ जाएगी तो इससे अच्छा होगा, फिर और ज़्यादा डार्क पेंसिल्स का यूज़ कर लेंगे। जो आईब्रोज हैं, जो आई लेसेस हैं, उन सब के लिए आप 6B या 8B का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी पिक हो, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप सिमिलरली आप उसी प्रोसीजर से आप दूसरे आई को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, उसके बाद आप डायरेक्टली नोज को बनाना सीख लीजिएगा। मेरे ओपिनियन से सबसे ज़्यादा बिगिनर्स को नोज़ बनाने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नीचे पोर्शन बहुत ज़्यादा, लिप्स के ऊपर जो पोर्शन होते हैं वो डार्क होते हैं और जो टिप होती है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, उस चीज़ की ट्यूनिंग का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट करने के लिए मैंने इरेजर पेंसिल्स का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे पोर्शन को भी हाईलाइट कर सकूँ, नोज़ के साइड्स में भी, हल्की हल्की जगह पर, बहुत ज़्यादा माइनूट जगह पर भी उसको इरेजर का यूज़ करते करते मैं हाईलाइट करके दिखा सकूँ। उसके बाद लिप्स को ड्रा करते हुए आप 2B से पहले इसके जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं उनको बना लीजिए, फिर स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा पेपर ब्लेंडर का यूज़ कर लीजिए जिससे ज़्यादा स्मूथ दिखने लगे। उसके बाद आप 4B या 5B या 6B का यूज़ कर लेंगे, उसके डिटेलिंग के हिसाब से आप जितने ज़्यादा ट्यूनिंग है उसके हिसाब से आप डार्कनेस बढ़ा देंगे। लास्ट में आप 8B का यूज़ कर लीजिए या फिर 6B का यूज़ कर लीजिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है, उससे क्या होता है कि जो प्रॉपर ट्यूनिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। उसके पोर्शंस के लिए मैंने यहाँ पर फिर से ब्रश का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर चिक्स जो थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा लाइट थी, इसलिए मैंने डार्क पेंसिल्स का यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली ब्रश का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, आप पेंसिल्स का भी यूज़ कर लीजिए। उसके बाद पेपर ब्लेंडर या टिश्यू पेपर से उसको रब करके अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस या किस चीज़ से रिलेटेड, क्या चीज़ बनाना है, कैसा सीखना है, क्या चीज़ मुश्किलें आ रही हैं आपको, इन सब रिलेटेड बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।